हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे आई विल एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 12C। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने इससे पहले सर्कल के बारे में एक वीडियो एक्सप्लेन की थी, अब उसके बारे में कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, आर्क, सेमी सर्कल, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी तो उन्हें ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करते हैं, हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द फॉलोइंग फिगर शो ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड सम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ इन इट। क्लासीफाई द लाइन सेगमेंट एज रेडियस, कोड एंड डायमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है लाइन सेगमेंट क्या है, रेडियस जो है, रेडियस लाइन सेगमेंट से जो रेडियस है, कोड है, डायमीटर है, इनको क्लासीफाई करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पार्ट है, एक दो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे के सब सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से ओ ए, तो जो ओ है मैंने आपको बताया था सर्कल का अंदर जो मेन पॉइंट होता है, ये जो यहाँ से क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। तो ये ओ है, अब इस सेंटर से जो लाइन आपकी सर्कल की बाउंड्री पे टच होती है, सेंटर से जो बाउंड्री पे टच होती है वो आपकी रेडियस होती है। तो कौन कौन सी यहाँ पे रेडियस आपकी, ओ एफ, ओ ई, ओ ए, ओ बी, ओ सी। डायमीटर क्या होती है, जो केवल सेंटर से होकर बाउंड्री दो सर्कल के दोनों तरफ टच होती है बाउंड्री पर। और कोड क्या होती है, चाहे वो विदाउट सर्कल सेंटर से होके जाए, ठीक है, चाहे वो सेंटर के आसपास से होके जाए, पर वो क्या होती है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है दोनों तरफ टच होती है। ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर से ही होके जाए, लेकिन डायमीटर के लिए क्या है कि वो सेंटर से ही होके जाती है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इनको बताना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ओ ए, ठीक है, तो ओ ए क्या है आपका, यहाँ से ओ ए रेडियस है, तो यहाँ पे लिख देंगे रेडियस। फिर उसके बाद ओ बी, ओ बी भी आपका रेडियस है, फिर ओ सी क्या है, वो भी रेडियस है। इसी तरह से आपको नाम बताने हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ई एफ क्या है आपकी, डायमीटर है। एम एन, एम एन क्या है आपकी, कोड है। एंड पी क्यू आपकी, ये भी कोड है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन टू, इन द गिवन फिगर नेम, इनके नेम बताने हैं। तो सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ओ है, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम बताने हैं इन सबके। ऑल द जो रेडियस है, जो जब सिंगल रेडियस होती है, एक के बारे में बात की जाती है तो रेडियस आता है, और जब बहुत सारी रेडियस, सॉरी जो ये आपकी बताते हैं ना रेडियस के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसके लिए हम रेडी यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ से आप इनके नेम लिख देना। फिर इसी तरह से ऑल द डायमीटर जो भी है, केवल एक, यहाँ पे तो एक ही लाइन शो हुई है तो इसलिए ए ही लिखेंगे, ए बी। उसके बाद है डी, ऑल द कोड कौन सी है, एक तो यहाँ से है, एक ये वाली है एंड एक ये वाली है, इनके नेम लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है ये बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ ए कंपास ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस। आपको क्या करना है, कंपास की सहायता से रेडियस दी गई है, उस एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जो रेडियस है आपकी फ्रेंड्स, आपको पता है कहाँ से होती है, रेडियस होती है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। तो अगर उसने कहा है कि रेडियस यहाँ से होनी चाहिए, इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर आपकी यहाँ से लेनी है आपको। तो कैसे लेंगे स्टूडेंट्स, आप उसको यहाँ से देखेंगे एक बार। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट है, इसमें इसने बोला है 4 सेंटीमीटर लेना है। तो 4 सेंटीमीटर आपको लेना कहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे एक बार ध्यान से बिल्कुल। तो 4 सेंटीमीटर आपका देख सकते हैं अच्छे से कहाँ पे है, ये रहा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 पे आपका ये रहा। तो यहाँ से लेके इसको आप अपनी कंपास में ऐसे फिल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की ऐसे दूरी लेकर, ठीक है। एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसे फिल करनी है, यहाँ ऐसे रखेंगे एंड जब तक ये पूरा कम आपका पूरा ऐसा ना हो जाए तो इसको फिल कर लेना ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो फिल, देखो आप देख सकते हो पूरी कंप्लीट है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी ये थोड़ा ब्लर हो रहा था, अभी थोड़ा फिर भी क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिल कर लेनी है। अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप एक काम करें, यहाँ पे ऐसे किसी कॉपी ले लेना अपनी, कोई रफ पेज सा, ठीक है, उस पर रख कर अपनी फिल कर लेना।
क्लियर सी लाइन सी होती है ऐसे, जैसे यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस है, यहाँ से दिखा देती हूँ, फोर का है आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे इसको, इस पे फोर पर, एंड कहाँ है आप, जहाँ आपकी ज़ीरो है, ज़ीरो पर लेके चाहेंगे इसको ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की फिल कर लेंगे, ठीक है। इससे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। अगर अगर आप ऐसे रख के फिल करोगे तो आप कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाओगे इसमें दूरी, ठीक है। ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद फोर आपकी इसमें सेंटीमीटर आ चुकी है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पर ये रहा। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसे इसको बीच में रखना है बिल्कुल, ऐसे कंपास को ऐसे पकड़ना है आपको, ओके, यहाँ से बिल्कुल, और बिल्कुल लूज ऐसे, ताकि आपका पूरा ये सर्कल ऐसे घूम सके, ठीक है। इस तरह से रख के इसको ऐसे बस इसको क्या करना है, या तो अपनी जो आपकी कॉपी होगी उसको थोड़ा राउंड राउंड ऐसे करते रहे, एंड ये आपका खुद सर्कल बनता चला जाएगा। या फिर आपको सर्कल बनाने के लिए या तो कॉपी को आपका ऐसे घुमाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपना सर्कल बिल्कुल इस, ये जो चीज़ है ना, ये वाला आप देख सकते हैं, इसका निडल जो है इसको बहुत ही थोड़ा सा टाइट से रख के इस तरह से सटा के, एंड इस हैंड को आप इस तरह से राउंड राउंड करें, हल्के हाथों से, पहले हल्के हाथों से राउंड राउंड करें इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका कंप्लीट कर लेना। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है इसके सारे इसी तरह से है। इसका एक डी पार्ट और एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 5.2 सेंटीमीटर लेना है। तो 5.2 कहाँ होगा आपका, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, 5 आपका ये रहा, कहाँ है आपका 5, ये रहा 5 के आगे आपके जो दो नंबर और हैं एक्स्ट्रा, 1 और 2, ये आपका 5.2 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लेंगे अपनी कंपास में, एंड इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ऐसे रख के टाइट से, एंड इसको सर्कल को ऐसे इसको राउंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बोला है आपको, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसमें भी आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फिर साथ में इसने ये बोला है कि मेजर द डायमीटर एंड वेरीफाई दैट द लेंथ ऑफ डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 × रेडियस होता है, क्या होता है, 2 × रेडियस होता है। यानी कि देखो यहाँ पे देख सकते हैं ना आप, जैसे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 × रेडियस होता है। तो अगर रेडियस आपकी 6 है, कितनी है रेडियस अगर आपकी 6 है, तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो चीज़ है कि अगर भाई आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो उन्होंने कहा कि वेरीफाई करना है कि डायमीटर 12 है, तो यस 12 ही होगा। बट यहाँ पे आपको ये रूल से नहीं करना, आपको यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लगाना है यहाँ पे उसने, क्योंकि ये बोला है कि ड्रॉ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर सोल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आप मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ। एक तो तरीका आपका यही हो गया कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू भाई आपको वेरीफाई करना है डायमीटर, तो आप इसको सर्कल बना के क्वेश्चन को सर्कल बना देंगे, एंड बस आपका ये जो रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आपकी पूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर ही आएगी। या फिर मैं उसमें आपको दूसरा स्टेप भी करके दिखा फिर भेजूंगी जो PDF सेंड करूंगी, उसमें आपको क्या करना है, उसका सेकंड स्टेप आप ये भी कर सकते हो इस वाले रूल से, ठीक है। सेकंड रूल से आप इससे भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 × रेडियस है ये आपकी, तो 2 × यहाँ पे आप 6 रख के इसका आंसर यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, दोनों ही तरीके से कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, ये रहा 4 है आपकी, रेडियस है इसमें आपकी 6 सेंटीमीटर, कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यस लेंथ ऑफ डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से सर्कल हमने 6 सेंटीमीटर का बनाया, तो इसका डबल ही आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, डी इजिकल्स टू यहाँ पे ऐसे करके डी इजिकल्स टू 2 × रेडियस से भी आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो अभी आपका जो आगे के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे उनको, ठीक है।
5, 6, 7 जो है रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। एक मैं आपको एक दो क्वेश्चन इसका एक बार रीड करके दिखा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि इसमें बताया है कि ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ करना है आपको सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इज रेडियस। क्या करना है, ऐसे फाइंड करनी है आपको रेडियस। तो स्टूडेंट्स जब अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पहले काम कीजिएगा, रेडियस फाइंड कर लीजिएगा। तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस आपकी फाइंड करनी है। तो अगर रेडियस फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेडियस इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2। तो डी कितना है आपका 10 है, अपॉन ये करके इसे कट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हुई आपके यहाँ से 5 सेंटीमीटर हुई। तो आपको आसानी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ड्रॉ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो आप कभी अपनी कंपास में 10 सेंटीमीटर की दूरी फिल करके और एक सर्कल बना दो 10 का, तो 20 बन जाएगा वो, क्योंकि डबल हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 10 बोला है। यानी कि अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, सपोज आपने सर्कल ये ड्रॉ किया है इस तरह से, यहाँ पे मैं आपको एक शो करके दिखाती हूँ छोटा। सपोज ये आपने सर्कल ड्रॉ किया तो उसने डायमीटर बोलिया, तो डायमीटर ये पूरी होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि आधी आधी नहीं, आपको पूरी यहाँ से सर्कल लेनी है इसकी, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसके आगे के क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी सिंपल है। इसमें सेंटर बनाना है आपको केवल एक, पहले तो आप इसमें 3 सर्कल बनेंगे, एक तो 2 सेंटीमीटर का बनेगा, एक 3 सेंटीमीटर का और एक 4 सेंटीमीटर का। जैसे कि आपने सेंटर ये ले लिया, एक मैं आपको रफ पे बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, लेकिन आप करेंगे प्रैक्टिस सेल्फ, ओके। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। सपोज इसमें जो मैंने कंपास में दूरी ली है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो एक एक ही सेंटर लेना है आपको, तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये बन गया आपका सर्कल, फिर थोड़ा सा इसको 2 से 3 कर लेना, सेंटर यही रखना है एंड बस थोड़ा सा ये इससे हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर 4 सेंटीमीटर का लेना, इससे थोड़ा इसको सेंटर यही रखना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी और ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इस सर्कल हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसने बोला एक सर्कल जो है उसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो जाहिर सी बात है अगर रेडियस 7 है तो लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगी सबसे कौन सी होगी, क्योंकि कॉर्ड जो होती है आपकी सर्कल की दोनों तरफ टच होती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारी कॉर्ड होती है स्टूडेंट्स वो सर्कल की दोनों तरफ यहाँ पे टच होती है। ये बाउंडेशन नहीं है कि वो सेंटर से होके जाए या फिर विदाउट सेंटर होके जाए, लेकिन वो मतलब कि लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो अगर आप विदाउट सेंटर के बनाओगे तो वो तुम्हारी थोड़ी छोटी बनेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी होगी वो आपकी सेंटर से होके जाएगी कॉर्ड आपकी। हमेशा याद रखना अगर लॉन्गेस्ट पूछी है तो आपकी सेंटर से होके ही जाएगी, ठीक है। तो आपकी लॉन्गेस्ट इसके अंदर आती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये तो स्टूडेंट्स आपको जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी कोड की, सेमी सर्कल की, ठीक है, रेडियस, कोड क्या होता है, आर्क क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, सर्कल के बारे में, सेंटर के बारे में, उनसे ही रिलेटेड यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स एंड यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन को समझना है एंड इनके आंसर यहाँ से गिवन करने हैं आपको, ओके। तो इस तरह से आपको करना जो ये क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको रीड करके दिखा देती हूँ कैसे करने हैं। जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, आपको स्टेटमेंट्स यहाँ से पढ़नी है, बताना है कि फॉल्स कौन सी है और ट्रू कौन सी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कोड ऑफ द सर्कल। तो इसने पूछा है कि जो सारी रेडियस होती है क्या वो कोड होती हैं, तो नो नहीं होती है, वो भी कोड नहीं होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये क्वेश्चन है आगे के, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो ए कोड ऑफ द सर्कल, यानी कि जो डायमीटर होती है क्या वो आपकी कोड हो सकती है, भी हो सकती है, यस वो हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया ये आपकी डायमीटर भी है, क्योंकि सेंटर से होके जाती है, दोनों तरफ बाउंड्री पे टच होती है, वो आपकी डायमीटर होती है, और ये आपकी कोड भी है, क्योंकि कोड का भी यही रूल है कि वो आपकी सेंटर से भी होके भी जा सकती है, विदाउट सेंटर के होके भी जा सकती है, बस उसका रूल ये है मेन तो कि वो दोनों तरफ बाउंड्री के टच होती है सर्कल के, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स आगे के पॉइंट्स को एक बार रीड करेंगे अच्छे से एंड इनके आंसर फाइंड करेंगे, यहाँ से हिंदी समझेंगे और करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उससे पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10,
फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या करना है आपको फिल करना है, जैसे कि फर्स्ट है आपका ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ कोड दैट डैश थ्रू द सेंटर, तो सेंटर से होकर क्या होती है पास होकर जाती है ना, तो इसलिए आपका पास इस आ गया, ठीक है। ए रेडियस ऑफ ए सर्कल, देखो मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ, डायमीटर ऑफ ए सर्कल, जो डायमीटर होती है सर्कल की और जो कोड होती है वो क्या होती है सेंटर से होकर यहाँ से देखो पास होकर जा रही है ना आपकी, तो ये इस तरह से यहाँ से इसलिए पास ही जाए, ठीक है। फिर ए रेडियस ऑफ ए सर्कल लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट डैश एंड द अदर डैश द सर्कल, ठीक है। तो इसने बोला है जो रेडियस होती है सर्कल की, लाइन सेगमेंट जो होती है वो सेंटर से होती है, आपने देखो अगर रेडियस जो होती है लाइन सेगमेंट की यहाँ से होती है सेंटर से, ठीक है। और फिर आगे बोला है एंड द अदर एंड, और कहाँ होती है ऑन द सर्कल, यहाँ पर होती है, ठीक है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन है, पॉइंट है, ये आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इसका वर्क था ये जिसके बारे में स्टूडेंट्स जो मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 12C से पहले सर्कल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था, यहाँ से देखो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार शो कर देती हूँ वीडियो जो बनाई थी, जो सर्कल है आपका पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से सर्कल था, फिर इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सर्कमफ्रेंस रेडियस, ये रहा सर्कमफ्रेंस जो होते हैं उसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं, रेडियस है, डायमीटर है, कोड है, ओके। फिर आर्क है, सेमी सर्कल है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। एक दो रूल थे आपके, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन टू, एंड एक फॉर्मूला आपका ये था रेडियस डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 into रेडियस ऑफ द सर्कल, इन सब के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था। तो अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो देखी होगी उन्हें ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया था कि कोड क्या होती है, रेडियस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये एक्सरसाइज अच्छे से समझनी है तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको वीडियो पहले इसके जो सर्कल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था वहाँ से उसको देखें, ठीक है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। क्योंकि जब तक आप इन छोटी से छोटी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है ये 12C वो कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।